इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने एक्टर खेसारी लाल यादव पर हुए हमले के आरोपी सुधीर सिंह को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बातें होती है हमेशा अश्लील गानों की, उनको लेके, तो अश्लील गानों को क्या आप लोग बढ़ावा नहीं देते हैं? मैं हमेशा कमेंट्स देखती हूँ, जो अश्लील सॉन्ग्स होते हैं, डबल मीनिंग की बातें में सॉन्ग्स होते हैं, उसको हमेशा ज़्यादा व्यूवर्स क्यों मिल जाते हैं? मैं ये कभी समझ नहीं पाई, इसका भी आप लोग मुझे रीज़न दीजिए। हम लोग अच्छे गाने भी बनाते हैं, सॉन्ग्स तो हमारे अच्छे भी होते हैं, बट उसके व्यूअर्स क्यों ज़्यादा नहीं होते हैं? फिर आप लोग जिस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, पब्लिक जिस चीज़ को बढ़ावा देती है, उसी चीज़ों को, उसी गानों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग अगर पसंद नहीं करेंगे तो फिर वैसे गाने भी नहीं बनेंगे। आज अगर YouTube खोल के देखेंगे तो लाइन टू लाइन लाइक कितने सारे हजारों लाखों करोड़ों सॉन्ग्स वल्गर सॉन्ग्स है, जो तो सीधा गालियों से लिखे जाते हैं सॉन्ग्स। क्या गवर्नमेंट चीज़ वो नहीं देख रही है? और मैं तो सारी जनता को जो केजारी जी को सपोर्ट कर रही है, उनको तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि थैंक यू सो मच, आप एक एक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता उनकी गलती है इन चीज़ों में, या अश्लील गानों की बात आ रही है उसमें। या राइट, अश्लील गाने नहीं गाने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की औरतें हैं, बेटी है, बहन है, बहुत लोग जो नहीं सुन पाते, और कोई सुन भी नहीं पाता, मैं भी नहीं सुनती हूँ, नहीं गाने चाहिए, बट आप लोग भी तो उसको दर्जा दे रहे हैं ना। और ऐसे सिर्फ हमेशा पॉइंट आता है तो खेसारी जी के ऊपर ही आता है कि खेसारी लाल ही अश्लील गाने गाते हैं। सो ये गलत बात है, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि अश्लील गाने कितने लोग गाते हैं, कितने लोगों ने गाया है। खैर, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जिन लोगों ने, आई थिंक शायद आप लाइव हो और आप मुझे देख रहे हो, मैं उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। एंड मैं ये कहना भी चाहती हूँ उनको कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ें प्लीज़ आइंदा कभी ना दोहराए। बताते चले आपको कि खेसारी पर हमले का आरोपी सुधीर सिंह को बताया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अश्लीलता के खिलाफ है और इसलिए उसने खेसारी के खिलाफ हमला करवाया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।